शिवांगी जी सेंटर शिवांगी सेंटर हाँ वो है दूसरा इधर टर्न हो जाएगा बस अरे सामने सामने चलो बाइट बाइट जनता भाई तुम लोग कहना चाहोगे कितनी तैयारियां ऊपर हो रही है और कितनी एक्साइटमेंट है आप ऑनेस्टली ऊपर की तैयारी के बारे में सबसे ज़्यादा आइडिया मेरी फैमिली को है मेरे सिबलिंग्स को है क्योंकि इसके मॉर्निंग साइड प्रिपरेशन की है वही सब कुछ देख रहे हैं अरे यार मेरे लिए भी सरप्राइज है अरे कौन लाइक पता चलेगा क्या ओके क्या कहना चाहेंगे अपने अटैक को लेकर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और ब्लैक इतना सुंदर लग रहा है आपको क्या कहोगे ब्लैक इज माय फेवरेट कलर और जैसे मैं मुझे हर बार कुछ डिफरेंट ट्राई करना पसंद है पहली बार ऑन माई बर्थडे आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड या आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट एंड आई लव इट शिवांगी खतरों के खिलाड़ी के लिए आपका नाम से लेकर क्या कहोगी खतरों के लिए आप कितनी तैयार हो और आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे मैं जा रही हूँ बिल्कुल जा रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नर्वस भी मिक्स्ड फीलिंग्स है लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार आई थिंक आई फील इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है इतनी अलग अलग चीज़ें जो शायद हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता है सो आई एम एक्साइटेड ओके किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर शिवांगी को लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कोई एक चीज़ तो फिलहाल मैं नहीं बता पाऊँ और मैं बताना भी नहीं चाहूँगी किसी ने सुन लिया ओके लास्टली बर्थडे के आज तो बर्थडे है बर्थडे के बाद के कुछ प्लान्स हैं क्या कुछ इस बार का डिसाइड किया है कि इस बार ये तो करना ही है फिलहाल मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है आधे लोग सुबह आए हैं और बाकी कल परसों आए हुए हैं एंड सो मैं उनको उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई बिकॉज आज का दिन बहुत बिजी था तो आज बर्थडे होने के बाद मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ माई लिटिल नेफ्यू इज आल्सो हियर सो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाली हूँ थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज लविंग मी फॉर सपोर्टिंग मी आई लव यू गाइस मैं आप लोगों के एडिट्स और यू नो इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट कॉमेंट्स सब देख रही हूँ एंड इट्स वेरी ओवरवेलमिंग सो आई लव यू गाइस हैप्पी बर्थडे शिवांगी एंड मैं विश करूंगा लॉट्स ऑफ हेल्थ वेल्थ सक्सेस और शिवानी मैम की कोई ऐसी बात जो आपको काफ़ी अच्छी शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग जो सबसे अच्छी बात मुझे उसकी पसंद है वो बहुत अच्छी इंसान है हाल ही में शिवानी मैम की ओर से खबर आई खतरों के खिलाड़ी में जाने वाले क्या थी वो सिर्फ खतरों में जाने रही है वो खतरों के खिलाड़ी जीत के गए और आपको भी और फॉर्मिंग प्रोजेक्ट लाइक मैं अभी फिलहाल बात नहीं कर सकता हूँ इट्स टू अर्ली उसके बारे में बात
थैंक यू भाई, अभी ले ले जस्ट, तो मुझे मत बता मैं ले यहाँ पे कहना चाहेंगे शिवांगी मैम का बर्थडे है किस तरह सेलिब्रेशन? फर्स्टली हैप्पी बर्थडे शिवांगी, मतलब मैं उससे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ, बट आई नो द बॉन्ड एंड द कनेक्शन दैट वी शेयर इज अमेजिंग, और मैंने उनके साथ काम किया है तो मतलब जब मैं उनको आउट एंड आउट जानती हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर, शी इज बीइंग बेस्ट फॉर हर सेल्फ, सो या ओके. बर्थडे है तो किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है? यार डांस तो हो गए, शी इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, तो हम दोनों साथ में मिलकर खुशी खुशी डांस करेंगे. बारे में नौकरी आ रही थी, खतरों की खिलाड़ी तरह जाने वाली है, क्या कहना चाहोगे? इसको मतलब वो आई हैव पर्सनली डन वन सीन विद हर, आई नो दैट वो किसी चीज़ से डरती नहीं है, तो इफ शी इज गोइंग शी इज जस्ट गोना किल इट फॉर शो. आई नो अपार्ट फ्रॉम दिस आप कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में अभी नथिंग राइट नाउ कॉन्क्रीट टू से, बट आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस एंड एंजॉयिंग लाइफ. तो क्या आगे मैं अपने फैंस से आप कुछ कहना चाहूँगा? कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. She deserves to be very, very happy, and I just wish.
स्पेशल उसका हर दिन जो है वो बर्थडे की तरह स्पेशल हो। मैम कोई ऐसी शिवांगी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे और बहुत ही प्यारी है, हम दोनों के बहुत करीब एंड काफ़ी टाइम के बाद पार्टी दे रही है, सब फ्रेंड्स लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जस्ट विश की अभी आई थिंक सबको पता ही है खतरों में जा रही है, आई विश की वहाँ जाए तगड़े से लड़े और जीत के आए। मैम आप क्या कह रहे हैं? मैं उसे एक बर्थडे की बहुत सारी विशेज देना चाहूँगी, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे शी सेफ स्टे ब्लेस्ड और खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए। कोई ऐसी बात है जो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगती है? उनकी सारी बातें अच्छी हैं और जो घर परिवार के लोग होते हैं उनकी सब बातें अच्छी लगती हैं, बुरी भी अच्छी लगती है, अच्छी भी अच्छी लगती है, फैमिली है तो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे, शांति कार्यक्रम सबको बहुत प्यार मिला है और आज
keep that a surprise. Thank you. चलिए लुक सेंटर में सेंटर लुक भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे देखिए ना, मुझे देखा ही नहीं आपने। देखो कौन देख रहा है, देखिए पहले कौन दे रहा है। मेरे पास भी है सेम, मेरे पास भी है सेम। मेरे पास भी है आपका ही लेके आया। अभी भाई नया जी यहाँ पे दोनों अधिकार देखिए ना, दोनों नाइस जोड़ी। चलो आने दो, नया जी नया जी इधर आने से यार। दिस वे दिस वे। अरे बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे, इसको दिखा के देंगे। आप लोग इधर देखो, बहुत भैया इधर इधर मैम यहाँ पे। अरे ये रोहित क्या बात है, नया जी आइए आप लोग। शिवानी जी का बर्थडे आज, क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की विशेष देना चाहोगे? शिवानी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे, और बहुत ही प्यारी है, हम दोनों के बहुत करीब है, एंड काफ़ी टाइम के बाद पार्टी दे रही है, सब फ्रेंड्स लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आई जस्ट विश कि अभी आई थिंक सबको पता ही है खतरों में जा रही है, तो आई विश कि वहाँ जाए, तगड़े से लड़े और जीत के आए। मैम आप क्या कहना चाहोगे? मैं उसे एक बर्थडे की बहुत सारी विशेज देना चाहूँगी। शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे शी स्टे ब्लेस्ड और खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए। कोई ऐसी बातें जो आप लोग को काफ़ी अच्छी लगती होंगी? सारी बातें अच्छी हैं, और जो घर परिवार के लोग होते हैं उनकी सब बातें अच्छी लगती हैं, बुरी भी अच्छी लगती है, अच्छी भी अच्छी लगती है, फैमिली है तो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। जूम कर ले, इतना जरूरत है। मैम राइट मैम, मैम अभी यहाँ पर देखिए, मैम यहाँ पर एकदम वही जनता पार्टी कर रहे हैं। जूम आगे बहुत भीड़ है उधर, तेरे में है ना जूम, तू क्यों ले रहा है? वही तुम ओके भीम नहीं देखा रीम 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 जी हां मैं अपने देखा जाना क्या फोटो जाने अब आ जाओ रीम जी जाना बाजू बाजू सचिन भाई सचिन भाई हेलो रीम जी आया रीम जी आ मतलब विशाल विशाल वेल बचपन से जानते शिवान जी थे, क्योंकि उनके यहाँ का सबसे ज़्यादा सिंपली था एंड शी इज़ गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी, सो ऑल द बेस्ट। आई नो शी इज़ अ फाइटर, शी इज़ अ वन ब्रेव गर्ल उनके शो पे, उनके किरदार बदले, उन्होंने किक बॉक्सिंग सीखी, उन्होंने डांस किया अपने शो में,
played so many characters in these 6-7-8 years, and she's always been very confident about those things that haan main karungi aur unko karke dikhaya. What's the best thing about her? रीम शिवांगी तो खतरों के खिलाड़ी में जा रही है, पर फैंस अब आपको भी खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में देखना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाइयों से, पानी से, मुझे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फोबियाज हैं, सो आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगी, बट आई वुड लव टू ट्राई. और अभी फिलहाल मना चल रहा है तो मैं उस पर बिजूँ, उसके साथ तो खतरों के बिल्कुल नहीं करवाऊंगी. एंड शो की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपके किरदार को काफ़ी सराहा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल शो को तो बहुत सारा प्यार मिला ही है, बाकी को बहुत प्यार मिला है, रस्ते को बहुत प्यार मिला है, ईशान के कैरेक्टर, हम सबको बहुत प्यार मिला है. और आज जैन का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे जैन, उसकी भी बर्थडे पार्टी के लिए मुझे अभी जाना है. जैन को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? वेल इट्स अमेजिंग वर्किंग विद हिम, बिकॉज यू नो जब आपके कोस्टार के साथ आपकी एनर्जी लेवल मैच होता है तो कहीं ना कहीं काम करना बहुत आसान हो जाता है. इज एज एंथुसियास्टिक एंड एज एनर्जेटिक एज मी on set, so it's wonderful to have him, and I wish him a happy birthday. And people want to see you in reality show. Kis tarah se aap dekhte ho reality show ko? Well, reality show filhal abhi tak I have not given it a thought, because rabta chal raha tha 3 saal tak, now that I'm doing Fana, so I never really had the time to think about reality shows, but let's see after Fana, hopefully. And which will be the first reality show if you will pick? श्रद्धा जी, श्रद्धा जी इधर सेंटर, श्रद्धा जी आप श्रद्धा जी ये वाला कैमरा, श्रद्धा जी आप श्रद्धा जी इधर नहीं देखा, और एक बार लास्ट श्रद्धा जी यहाँ पर, मैम यहाँ पे श्रद्धा जी यहाँ पे देखो सामने वाला कैमरा इधर, मैम मैम सामने सामने होल्ड होल्ड श्रद्धा जी यहाँ पर देखो एक बार, श्रद्धा जी नहीं देखा, श्रद्धा जी इधर नहीं देखा, श्रद्धा श्रद्धा होल्ड होल्ड थैंक यू श्रद्धा जी यहाँ पर, ये लास्ट टाइम देख लीजिए मैम यहाँ पे एक बार देखो, अरे आसिम पीछे ले गया, आई मैम, अरे आई एम वॉचिंग फॉर